हफ्ते। अब उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी अपनी इवनिंग रूटीन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो तीन दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी आफ्टरनून रूटीन। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी, मिस हो गई है, तो उसका आई बटन में मैं लिंक देती हूँ यहाँ पर, या यहाँ पर वो लिंक आ रहा होगा, तो आप लोग वो भी वॉच कर लीजिएगा। और यस, हेलो व्यूअर्स, रोहान कह रहा है कि आपकी मामा के चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और साथ लगे बेल आइकन को भी आपने ज़रूर हिट करना है, ताकि आपको रोहान के, रमाइजा की और उसकी मामा के स्पेशल से व्लॉग कहीं मिस ना हो जाएं, और आप लोगों को नोटिफिकेशन जैसे ही मिले और आप लोग हमारी वीडियो को देख के इन्जॉय कर सकें। तो चलिए गाइस, आज की अपनी इवनिंग रूटीन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इवनिंग रूटीन में ऐसे कौन से यम्मी किस्म के स्नैक्स बनाते हैं जो कि मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, और इस प्यारी सी वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट पे जरूर लाइक कीजिएगा, है ना रहान? रहान बताओ लाइक करना। हाँ? तो यहाँ मैं और माइजा मिलके स्ट्रॉबेरी जूस बना रहे हैं माइजा की फरमाइश पर। वैसे मैं मैंगो बनाती हूँ, तो इसने मुझे बोला स्ट्रॉबेरी जूस पीना है, तो बस यहाँ उसके लिए स्ट्रॉबेरी जूस मैं बना रही हूँ। माइजा कैसा बना? यम यम आयशा अलेक्जेंडर, तो वो तो आप ही डालती हो। What is this, baby? Huh? Show me, what is this? What? It's cupcake. Huh? Cupcake. It's cupcake. Open. Okay. तो अब मामा आपको फ्राइज भी बना दे? Yeah. आप ये खाओ तब तक, पिशाचा फ्राइज भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है? Yeah. चलो मेरा बेटा। आप किधर है? अंदर है। चलो मामा उसको भी देख के आती हैं, ठीक है? आप खाओ। ये रोहान भी अंदर से आ गया है और इसको मैंने पीडू में डाल के दिया जूसी जूसी पिकबू। ये देखिए इस टाइम ये मस्ती के मूड में है फुल। रोहान पिकबू पिकबू। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है? ये है मेरा, मैं भी खाने लगी हूँ। तो ये खा के मैं जाके फ्राइज बनाती हूँ, और बैद स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नहीं पीते, मैंगो पीते हैं, तो उनके लिए मैंगो शेक बनाते हैं और फिर फ्राइज हम लोग मिलके खाएंगे। सो व्यूअर, यहाँ पे देखिए मैंने पोटैटो को पील ऑफ कर लिया है, और अब इसको हम लोग स्लाइसेस में कट करते हैं जिस तरह फ्राइज कट होते हैं फ्राइज शेप में, तो फिर इसको हम लोग ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फ्राइज जो हैं वो डाल दिए हैं, और बाकी भी मैं डाल रही हूँ साथ साथ ही। बस अब फ्राइज बनते हैं, तो फिर हम इसको जाके खाते हैं। और हमारा ये था इवनिंग स्नैक और इवनिंग टाइम हमारा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होगी। आगे आगे देखते जाइए आप लोग क्या क्या हम लोग करने लगे हैं। बैद भी ऑफिस से आ गए हैं। हेलो, मैं इवनिंग स्नैक बना रही हूँ फ्राइज। इवनिंग स्नैक बना रही हूँ, यस, वेरी गुड। तो आप बैठो, फ्रेश हो जाओ, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा डैडी आ गए। डैडी को तो आदू माइजा के लिए फ्राइज बन रहे हैं। माइजा ने खानी है या वान ने खाने हैं? शब ने खाने हैं। ओके चलो। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे हमारे फ्राइज रेडी हो गए हैं, और अब मैं सब निकाल के इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही यमी और क्रिस्पी क्रिस्पी से रेडी हुए हैं ये देखिए। गाइस फ्राइज हमारे रेडी हो गए हैं, फटाफट से मैं बनाने लगी यहाँ पे मैंगो मिल्क शेक। और ये मैंगोज आप देख सकते हैं वही हैं जो मैंने अपने लास्ट एक दो वीडियो से पहले जो बताया था फ्रीज करना, कि कैसे आप मैंगोज को स्टोर कर सकते हैं। और ये मैंगोज मैंने स्टोर किए हुए हैं सिर्फ मिल्क शेक बनाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिल्क शेक बनता है, यम्मी किस्म का, और ठंडा ठंडा आइस वाला मिल्क शेक बनता है। तो चलिए अब जग भी मैंने रख लिया यहाँ पर, अब इसके अंदर मैं डालती हूँ। व्यूअर्स फाइनली हम लोगों का यहाँ पे रेडी हो गया है इवनिंग स्नैक, और ये मेरी बेटी अब खाने लगी है, यम्मी। और ये है फ्राइज साथ इसके ये शेक, और जो रिमेनिंग है वहाँ पे रखा हुआ है, जो जल्दी पी लेगा वो बाकी ले लेगा, ठीक है? चलो आ जाओ अभी बैठो यार। सो गाइज बहुत ही यम्मी बने हैं, सब खा रहे हैं यहाँ पर। ब्यूटीफुल पीपल, ये थी मेरी
आज की इवनिंग रूटीन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, सो इसीलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।